नूह जिले के कोटला झील में कश्ती में सवार 5 युवाओं में से 4 युवाओं की हुई मौत। मरने वाले सभी युवा आकेड़ा गांव से संबंध रखते हैं। आपको बता दें कि जिले की कोटला झील में 5 युवक जिनके नाम नजाकत उमर 18 साल, साकिब उमर 17 साल, साहिल उमर 12 साल तथा मुश्ताक उमर 27, चारों यासिर उमर 15 साल कोटला झील में किश्ती का आनंद लेने के लिए गए थे। आसपास के लोगों ने बताया कि सभी युवक 3 बजे के करीब कोटला झील में किश्ती में सवार होकर झील का आनंद लेने के लिए गए थे, तभी युवकों की किश्ती किसी कारण से अनबैलेंस हो गई, जिनकी वजह से किश्ती में सवार युवक डूब गए, जिनमें से यासिर नाम का युवक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया तथा झील से बाहर निकलने के बाद यासिर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पास में ही हैप्पू नाम के युवक ने उन्हें डूबता देखा तो बचाने की कोशिश की। भारी मशक्कत के बाद 2 मृतक युवकों को बाहर निकालने में कामयाब हो पाया, जिसके बाद उसने गांव में फोन कर ऐलान कराया। कुछ गांव के बच्चे किश्ती सवार होकर कोटला झील का आनंद लेने के लिए गए थे, जिनकी किश्ती झील में डूब गई है। जैसे ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना मिली तो गांव के लोग कोटला झील की तरफ दौड़ पड़े और डूबे हुए युवाओं को निकालने लग गए, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। आकेड़ा चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और उसके बाद फायर विभाग भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 5 युवकों में से 4 युवकों की मौत के काल में समा चुके थे। सभी चारों मृतक युवकों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। कोटला झील में मरने वाले लड़कों के नाम मुश्ताक, साकिब, साहिल, नजाकत हैं, जो चारों बच्चे आकेड़ा गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही कोटला झील में आकेड़ा गांव के 4 बच्चों की डूबकर मरने की खबर मिली तो पूरे मेवात में मातम पसर गया। हम आपको बता दें कि 4 बच्चे आकेड़ा गांव के जो कोटला झील में नहाने गए थे, ऐसे में किश्ती का आनंद ले रहे थे, उनकी किश्ती अनबैलेंस हो जाती है और वो चारों डूब जाते हैं। हालांकि वो 5 बच्चे थे, 5वें ने अपनी जान जैसे तैसे बचाई, उसने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद में एक हैप्पू नाम का व्यक्ति ने काफी निकालने की उन्हें कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाए। तो आज ये हादसा हुआ है आकेड़ा झील पे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला था? यहाँ पर 5 बच्चे आए थे स्टार्ट में, उनमें से एक बच्चे ने किसी तरह निकल के वो सभी को बताइए, यहाँ पर फोन वगैरह करवाया कि 4 बच्चे इसके साथ और थे, वो डूब गए। यहाँ के गांव के आसपास के लोगों ने मदद करके, हम भी आ गए थे मौके पे, हमने वापस निकलवाए हैं, उनको सभी को हॉस्पिटल में भेजा गया। सर कितने बजे का ये हादसा था? ये अभी रिसेंट अभी का हादसा है। तो आपकी टीम यहाँ मौके पर पहुँची है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आप लेके आए यहाँ पे? सब कुछ खुलवा दिया था, पहले भेज दिया। तो जो इसमें डूबने करीब जनता किश्ती में सवार थे बच्चे? हाँ ऐसा ही बताया जा रहा है, किश्ती है वो आगे डूबी हुई है, उस किश्ती में थे। तो मौत के बच्चों की हो चुकी है मौके पर? हाल तो हमने एक की कंफर्म बता रहे थे यहाँ से, बाकी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल उनकी हालत गंभीर है। हाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं हम सीधा। नाम आपका? मेरा नाम साहिल खान है। साहिल, जो आकेड़ा ये झील पे मौजूद है, आज जो ये हादसा हुआ है, क्या मामला था पूरा? ये 5 बच्चे आए थे यहाँ घूमने के लिए, वहाँ झील पे जाएंगे और फोटो वगैरह ले लेंगे, तो एक अंदर किश्ती में चले गए। यहाँ पे जो 5 थे, 5 किश्ती के अंदर चले गए, वो किश्ती डूब गई, उसमें एक तो जिसके पास तैरना आता था वो तो निकल आया, और 4 इसी के अंदर रह गए। एक का नाम तो साकिब है और एक का नाम साहिल है, वो दोनों भाई हैं, इकबाल के लड़के हैं वो, और एक का नाम मुश्ताक है, वह बसरुद्दीन का है, और एक रिश्तेदार है यहाँ का नहीं है, उसका नाम नजाकत है। जो भांडजा में किस कौन से गांव का है? वो शायद सिंगल हेडी का है। और जो 4 लोग जो लड़के और थे, ये कहाँ के? ये चारों लड़के, तीनों लड़के आकेड़ा के थे और जो 5वां वो भी आकेड़ा का था। साहिल, जो आपके पीछे पानी दिखाई दे रहा है, यहीं पे डूबे ये लोग? हाँ यहीं पे डूबे थे, जो ये पानी है यहाँ पे। कब का हादसा है, कितने बजे का लगभग? ये लगभग 3:15 बजे का हादसा है। तो प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा मौके पे यहाँ? ना मौके पे कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जब वो गांव के आदमियों ने निकाल लिए थे वो बाद में आ गए थे। बाद में कौन आ गए थे? बाद में ये 112 वाले आए थे और गांव की चौकी से आए थे। ये 5 बच्चे जी, मैं इनसे बोला जब मैं इनके पास से आया निकल के कि इन पर तैरना नहीं आता है और तुम इसको अंदर लेके मत जाओ किश्तियों को बेटा, उसने कही ना जा रहा ना डूबा। मैं तो आ गया, कम से कम 2-3 किला दूर पहुंच गया, फिर मेरे को आवाज आई कि डूबगी किश्ती डूबगी, तब आयो तब ही लगूं मैं उस लड़का का। मैं वहां दौड़ के गया था तो
दो बंदा तो तुरंत ही खींच लिया, ये बाहर घबराया पड़ा, नो कहाँ सीख है, वो किश्ती डूबी पड़ी थी वहाँ, वहाँ दो बंदे मिल गए, वो दो तो मैंने निकाल लिए। फिर मैंने फ़ोन किया है गांव में, जिनका नंबर मेरे याद था, मुख्य मस्जिद में ऐलान करा दो, और फिर जो हैगी कि तैरने वाले बंदे जो गोता मारने वाले हैं लड़का आ जाओ यहाँ। तो ये बच्चे डूब गए ऐसे ऐसे, किश्ती डूब गई। कितने बच्चे थे? पांच बच्चे थे इसमें नाव में, एक तैर आया, चार उसी में रह गया। तो जो मरने वाले बच्चे की संख्या वो कितनी है? भाई दो तो लड़का इकबाल के हैं, एक उनका भांजा है, और एक मतलब जो है कि वो मच्छर का है, वो गांव का ही बच्चा है, वो भी बसरू का। चार बच्चे, चार गुजर गए, एक तैर के आ गया। जो उम्र थी बच्चों की वो कितनी होगी आपके अंदाजे से? उम्र थी जो बच्चों की वो कितनी होगी आपकी? उम्र तो ऐसी थी 15-15, 18-18 साल के बच्चे थे, चार जवान लड़के थे, पांच में तैर आया।